हेलो माय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर टेड टॉक्स। एंड टुडे वी हैव मिस सविता एंड शी इज गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ वेलनेस एंड ऑन जेंडर इक्वालिटी। एंड शी इज गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। वेलकम टू द शो मैम। यस, थैंक यू वेरी मच। यस वेल मैम, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ वेलनेस और जनरल जेंडर इक्वालिटी पे। तो हम लोग आज का इंटरव्यू एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में और आपके पैशन के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए, जिससे कि वो समझ पाएं कि आप कौन हैं और आप क्या काम करती हैं। यस, मेरा नाम सविता है, सविता कुराड़े। मैं 18 साल से वर्क में हूँ और अभी रिसेंट में वन स्टॉप सेंटर करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेप्ट है, और जो निर्भया हत्याकांड होने के बाद, निर्भया जो रेप केस हुआ था उसके बाद डेवलप किया है। एनी टाइप ऑफ वॉयलेंस जो भी वुमेन्स और 18 ईयर अंडर के बच्चों के साथ होता है, तो उनको 5 प्रकार की हेल्प इस सेंटर से प्रोवाइड की जाती है। सेंटर जो अपना मुंबई डिस्ट्रिक्ट का है, मुंबई शहर का, वहां पे मैं एज अ सीनियर काउंसलर हूँ। इस सेंटर में जो भी वायलेंस रिलेटेड केसेस आते हैं, एनी टाइप ऑफ वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, पॉक्सो, तो उनको हम पुलिस हेल्प, मेडिकल हेल्प, लीगल हेल्प, साइकोसोशल सपोर्ट एंड शेल्टर, ये 5 टाइप की हेल्प हम एक जगह पे उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा सेंटर जो महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो अपने शुरू हुआ पहला वाला, वहां की मैं एज अ सीनियर काउंसलर हूँ और वहां पे मैं काम करती हूँ। मेरा पैशन ये है कि सोशल वर्क जैसे कि मुझे मजा आता है काम करने में, और मैं उसको एंजॉय करती हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है उसको। यस मैम, थैंक यू। और आप फिलहाल आप हमें बताइए कि आपको, आप जो काम करती हैं इस बार फिलहाल, आपके काम का क्या स्वरूप, लाइक स्वरूप क्या है, और आप इस काम में कैसे, आपकी कैसे एंजॉय क्यों करती हैं इस काम को? इस काम का जो स्वरूप है, देखिए कि कोई भी हमारा है यहाँ पे, हम बहुत बार इतना मतलब मेंटल, वर्बल, फिजिकल वॉयलेंस से लोग सफर होते हुए देखते हैं, लेकिन इस वॉयलेंस को, जैसे कि मेंटल और वर्बल वॉयलेंस को वॉयलेंस, क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं है, उस वजह से फीमेल्स के साथ होने वाला किसी भी प्रकार का हिंसाचार, जिसको गंभीरता से नहीं लिया है। तो मेरे काम का स्वरूप ऐसे है कि ऐसे हिंसाचार से पीड़ित महिला जब भी किसी सेंटर की हेल्प लेना चाहती है, तो वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो हिम्मत हो, क्योंकि उसने बचपन से ये देखा है कि हिंसा तो महिलाओं के साथ होगी, और गर्ल्स के साथ ये होना मतलब कोई गलत नहीं है, या ये कॉमन होता ही है सोसाइटी में। उन्होंने जैसे वो बड़ा होते हैं तो घर में देखा है, सोसाइटी में देखा है कि ये होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये ऐसा जब वो बहुत सहने के बाद उनको होता है कि ये गलत और मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, तब जाके उनमें वो हिम्मत जुट जाती है, और उस हिम्मत के साथ वो जब आती है हमारे पास, तो मुझे उनको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? एज अ ह्यूमन बींग, एज अ मतलब मनुष्य के साथ होने वाला ये काम है, उनके इमोशंस के साथ उन्होंने जो सहा है उनको रिलीफ देने के लिए मेरा काम है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनका, उन्होंने जो सहा है और उसके बाद भी उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है। देखिए कैसे है कि किसी भी हिंसा में अपने होते, घर में होने वाली हिंसा है या सोसाइटी की हिंसा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो भी होते, तो अपनों के खिलाफ खड़ा रहना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। सोसाइटी ने उनको सिखाया है कि ये होगा, तू लड़की है, तू औरत है, तो ये होगा, ये तुझे सहना है और ये कुछ अलग नहीं है। तो जब उनको वो एहसास होता है कि नहीं, मैं क्यों ये सहूं, मुझे नहीं सहना है, तो वो एहसास के साथ जब वो हमारे पास आती है, तो मुझे लगता है कि
अपनों के खिलाफ जब वो खड़ा होती है तो उनको जो हिम्मत देना है और उनको सही तरीके का व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, ये एहसास उनको हुआ है। उस एहसास को मुझे लीगल सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट और साइकोसोशल सपोर्ट कि आप सही हो और ये आपके एहसास में आपके साथ मैं हूँ और जो भी आपके राइट्स है, जो आपका रहने का अधिकार है शांतता के साथ, सुरक्षितता के साथ, तो वो अधिकार दिलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो ये मुझे बहुत आनंद देता है या इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। और वन स्टॉप कंसेप्ट 2015 के बाद आया, लेकिन बिफोर दैट महिला को वो कहीं पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था या एफआईआर देने के लिए। और देखिए पुलिस का जो डर होता है, और जब पुलिस के पास वो चली जाती और सुनाते थे कि अपने घर वालों के खिलाफ क्या बोलना है, ये घरगुती है मामला तो आप घर में जाके निपटाओ, मतलब वो कोई क्राइम है ये मानने के लिए पुलिस आज भी तैयार नहीं है। आज भी को अलग अलग तरीके तरीके के सिस्टम के पास जाना पड़ता था, जो जितनी हिम्मत उनमें नहीं होती है। कोई भी वॉयलेंस सहने के बाद किसी भी इंसान में वो ताकत नहीं होती है कि सिस्टम के पास जाके अपने लिए न्याय मांगे। ऊपर से इकोनॉमिकल भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर लीगल हेल्प लेना है किसी वकील को, किसी लॉयर को अगर हायर करना है तो उतना पैसा भी नहीं होता है। तो अभी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम उनको वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जिसके द्वारा उसको न्याय मिलेगा और उसके साथ होने वाली घटनाएं नहीं हो। तो मुझे मजा आता है कि ये सब करने को मिलता है मुझे, जो भी सिस्टम है हमारी पूरी पुलिस है, लीगल है। यस मैम, ये बहुत ही अच्छा हेलो। काम कर रही है और इससे सोसाइटी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो रहा है। और ये इस काम ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आप हमें बताइए, आजकल की जेनरेशन जो हम देखते हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, गेमिंग, सोशल मीडिया और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ऐसी बहुत तरीके की टेक्नोलॉजीज कुछ लाइक से एडिक्टेड है। जैसे आपने पहले कुछ साल पहले पबजी भी होता था और पबजी कितना खेलते थे बच्चे। तो ये भी इस विषय पे आपका क्या क्या सोच है? और आप सारे पेरेंट्स को जो या ऐसे सारे बच्चों को जो गेमिंग या ऐसी सोशल मीडिया चीज़ों से एडिक्टेड है, उनको अपनी आप उनको क्या सलाह देंगी? मुझे एक बात तो पहले ये कहनी है कि कोरोना की वजह से और हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए, और उस वजह से तो जितना यस भी मैम, हमारे लिए फ्रीडम था सोसाइटी में घूमने का, आउटडोर गेम खेलने का, तो ये सब चला गया है बिकॉज कोरोना। बिफोर दैट भी ये सिचुएशन थी कि लोगों के जो आपकी चाइल्डहुड मतलब ये चल रही है बचपना, उसमें और हमारे बचपने में बहुत सारा फर्क है। हमने बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की है, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड वाले फोन लॉन्च हुए या टैब्स आने लगे, और आपके आपका जो टेक्नोलॉजी के प्रति जो भी या जो भी अट्रैक्शन था वो बढ़ता गया, और उस वजह से लोग उस मतलब फिजिकल गेम खेलना या ग्राउंड पे जाके खेलना ये सब जैसे कि भूल ही गए हैं, आ गया है 2 साल होने को है, तो उस वजह से भी हमारे ऊपर बहुत कुछ लिमिटेशन आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये गेम्स हैं ये आपको मेंटली इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि हम ग्राउंड पे जब जाते हैं खेलते हैं या लोगों में मतलब सोसाइटी में जब हम मिक्स होते हैं वहां पे वाले जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, वहां पे हमारी पूरी बॉडी जो है वो उसकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है, और उससे हम मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा फिट। लेकिन ये वाले जो गेम है ये हमें फिजिकली तो बिल्कुल भी फिट नहीं बनाते, मेंटली भी हमें वीक बनाते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से हमारे जो फिजिकल बॉडी पे उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारी नजर के ऊपर उससे आने वाला स्ट्रेस, लगातार स्क्रीन की तरफ देख देख के हमें होने वाला हेडेक, तो मुझे लगता है कि इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। और कोरोना की वजह से डर के घर में कोई भी नहीं बैठता है, मास्क पहने, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वाले गेम खेले, तो
क्योंकि अगर हम हॉलीबॉल्स या जो भी अगर देखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग होता ही है उसमें, लेकिन ये गेम्स आपको मेंटली पूरा ब्लॉक कर देते हैं। आपका जो भी ग्रोथ होना है या ग्रोइंग होना है, मुझे नहीं लगता है कि सोशल ये जो गेम्स है ये इसके ऊपर टैब या पबजी या जो भी गेमिंग है इसके ऊपर से आपका अच्छी तरह ग्रोइंग नहीं हो रहा है। तो जितना भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी है और वो वाले गेम्स है जिसके द्वारा हमारे मेंटल स्ट्रांगनेस में भी बढ़ोतरी आई, स्ट्रेस बस्ट हो सकता है हमारी पूरे बॉडी को, हम जितना भी स्ट्रेचेबल करेंगे जो फिजिकल गेम्स में, तो उससे हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और सब अच्छे हमारे अंदर आ जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग है बहुत कुछ। लेकिन अगर हम एक जगह बैठेंगे और इसी गेम की तरफ हमारा अटेंशन देंगे या उसमें अट्रैक्ट रहेंगे तो उसका गलत ही असर आएगा, उसका कोई भी पॉजिटिव मुझे नहीं लगता है। कि कभी कभार आप 10 मिनट 15 मिनट इतना यूटिलाइज कर रहे हो टाइम तो इट्स ओके, बट आप पूरा दिन रात उसी गेम्स में अवर सिटी आएगा, खा रहे हो बैठे हो, खा रहे हो बैठे हो, और फिर आपका पूरा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बिगड़ने की। यस मैम, ये तो सही कहा आपने, बिल्कुल मैं भी अग्री करता हूँ इस बात पे। आजकल बहुत सारे बच्चे स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा बढ़ गया और वो खेलते कूदते नहीं हैं, और कुछ बच्चों के यहाँ पे तो सोशल सोशल डिस्टेंसिंग और अपना COVID-19 की वजह से भी बहुत सारे वो हो गए हैं, और बच्चों को फिर अब अकेले बिना खेले कूदे ग्राउंड में जाने के बिना वो वीडियो गेम्स खेलने लग गए हैं, तो ये आदत बड़ी गंदी है। अब हम लोगों को अब आपने जो सलाह दी है कि हमें जाके सीधा हमें ग्राउंड पे जाके खेलना चाहिए, हमें बैडमिंटन या फिर ऐसे गेम्स जो सोशल डिस्टेंसिंग हो जिनमें, या वॉलीबॉल या एरोबिक्स या फिर जो भी आपने आपने जो एडवाइस दी है बिल्कुल सही है। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं मैम। आप हमें बताइए जेंडर इक्वालिटी और डाइवर्सिटी के बारे में, ये जो भाई आजकल आप हमें बताइए कि आप जो इस बच्चों के अंदर जेंडर इक्वालिटी और ये इसकी भावना कैसे डालें और इसकी इम्पोर्टेंस कैसे हाईलाइट करें बच्चों की ज़िंदगी में, और उनको कैसे बताएं बताएं कि जेंडर इक्वालिटी रखनी है अपन को, फीमेल्स और मेल्स एकदम एक तरीके से, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक तरीके से लड़कियां अपनी झुंड बना लेते, लड़के अपने झुंड बना लेते और सब लोग अपने अपने, तो कैसे जेंडर इक्वालिटी लाएं, और फिर वो सोचते हैं कि लड़के ज़्यादा अच्छे लड़के ज़्यादा अच्छे और लड़के ऐसे ही होता रहता है, तो आप हमें बताएं हम कैसे इस सोच को बढ़ाएं। और सबसे पहले तो हमें जेंडर इक्वालिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा। और परसेंट कम से कम 80 या 90% प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे अगर इक्वालिटी आती है तो। और हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी बाहर आता है, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, इस इक्वालिटी ना हो घर से लेके सोसाइटी तक, तो वो भी कम हो जाएगा। तो जेंडर इक्वालिटी कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको हमें सिखाने के लिए हर बार शाला कॉलेज तो पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम पैदा होते हैं तभी से हम इक्वालिटी हमें सीखनी है या उसका इम्प्लीमेंटेशन घर से ही होना चाहिए। हमें मतलब घर से ही लड़कियों के काम अलग, लड़कों के काम अलग, लड़कियों ने ऐसे बैठना है वैसे उठना है, लड़कों ने ये करना है, ये सब थोड़ा सा हमें बंद करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा अभी जमाना बहुत पीछे जा चुका है। लेकिन हम हमारे मतलब जो हमें बर्ताव इजी पड़े, जैसे कि घर के काम में हिस्सा लेना या घर के काम की जो बंटवारा जो होता है उसको अपने अपने मतलब फायदे के लिए किया जाता है। तो देखिए, खाना हर एक को लगता है तो खाना बनाना भी हर एक जन को आना चाहिए, वहां पे जेंडर आता है क्योंकि भूख तो हर एक के पेट में है। कपड़ा तो साफ सुथरा पहनना है तो वहां पे भी जेंडर नहीं आना चाहिए। किसने डिसाइड किया कि ये काम लड़कियों का है ये लड़कों का है? हमने ही ना। तो पहला का एक जमाना था कि जब औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी, वो घर के बाहर नहीं जाती थी, उनका करियर नहीं होता था, तो उस वजह से उनको घर संभालना पड़ता था। लेकिन अभी बहुत चेंजेस हो चुके हैं, अभी लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत अच्छा करियर करती है, तो वो इक्वालिटी ना होने की वजह से उनको फिर ओवर बर्डन आ जाता है काम का, क्योंकि करियर में भी हमें खुद को अच्छा दिखाना है और फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर के औरत की है, तो ये डिसाइडेड तो नहीं है ना किसी की तरफ से। तो हमें ये क्योंकि अर्निंग करना पहले मर्दों का काम होता था, लेकिन अर्निंग तो अभी औरतें भी करती है, तो जरूरी नहीं है कि घर भी संभाले और बाहर भी संभाले। तो हमें
खुद को अगर हम सेल्फ मतलब ये करें, मतलब ट्रेन करें और हर एक काम में हिस्सा ले लें, वो अगर आता है तो थॉट्स में भी वो आएगा. क्योंकि ओनली थॉट्स मेरे कि जब सभी कॉलेजेस के लिए वगैरह सेशन लेती हूँ जेंडर इक्वालिटी के बारे में, और एक सिंपल सवाल पूछती हूँ कि सोसाइटी में या आपके घरों में अभी इक्वालिटी दिखती है क्या, तो उनका इजी आंसर रहता है हाँ बहुत है. हमारे घरों में तो हम हमारी बहन और हमारी मम्मी को हम पूरा इक्वल राइट देते हैं. तो देखिए, देने वाले होते कौन हुआ, ये पहला सवाल. हम जन्म से ही औरतें अपना अपना राइट लेके आई है, हमारा फ्रीडम हमारे साथ हमारे जन्म से जुड़ा है. तो फिर हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे यंगस्टर्स को कि देते हो मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ आपकी इक्वालिटी होती है, तो yes. बोलते हैं कि हाँ हम जो भी उनको एजुकेशन लेना है उसके लिए हम yes. हाँ बोलते हैं, जो भी उनको करियर करना है उसके हाँ बोलते हैं. तो वो इक्वालिटी हुई क्या, तो मेरे मुझे लगता है कि नहीं. देखिए, जो भी उनको राइट्स है या कहना है इक्वली, तो घर के काम का काम की जो काम में हिस्सा लेना है, या घर का ये मेरा काम है ये तेरा काम है, ये औरत का काम है ये मर्द का काम है, वो उसको बंद करना है. ओके, और वहां पे कहीं पे भी ईगो नहीं आना चाहिए. क्योंकि देखिए, झगड़े कम हो जाएंगे और अगर घर में ये तो सोसाइटी में डेफिनेटली वो आएगी. अगर घरों में ही इक्वालिटी नहीं है तो सोसाइटी में नहीं आएगी. और इसमें सबसे बड़ा काम जो है ना, कॉपी करना है. आजकल की टेंडेंसी ऐसी है कि मर्द या जो भी कोई मेल है वो इक्वालिटी की तरफ सोचते तो है, लेकिन उसके बीच में आने वाली कि हमारी औरतें ही है. मतलब अगर जब वो औरत बहू होती है तो उसको लगता है कि वो उसके हस्बैंड ने हेल्प करना है काम, लेकिन वही औरत जब सास बन जाती है तो उसको अगर उसका लड़का अपनी बहू को हेल्प करता है घर के काम में, उसको खटकता है, फिर वो कहती है कि बाई को तब बैल झला, या मतलब घर काम मतलब रामागढ़ी बन गया, या घर के काम में क्या हिस्सा ले रहा है, या औरत का काम. तो ये हमारा जो टेंडेंसी है थॉट्स का या जो विचारों का, तो वो उसे हमें चेंज करना. क्योंकि हमारे हम सब इक्वल है जन्म से ही. अगर कुछ फिजिकल चेंजेस नहीं है तो हमारे बॉडी में और हमारे दिमाग में कोई भी चेंजेस जिसने भी हमें क्रिएट किया है, तो हमें भी उनको तैयार नहीं करना है. जैसे हम जन्म से ही फिजिकल चेंजेस जो नीड के हिसाब से है, यूट्रस एक एक्स्ट्रा ऑर्गन फीमेल्स के पास है जिसका प्रोडक्शन के लिए, और कुछ भी उसका इंटेंशन नहीं. और औरतें बिल्कुल नाजुक कमजोर नहीं होती है, और मर्दों को रोने का हक है पूरा, बहुत ही अच्छा मन होता है, उनको भी इमोशंस है. तो ये सब जो है ना, ये एक दिन में होने वाला तो चेंज नहीं है, इसके लिए लगातार हमें काम करना होगा. और हमारा नजरिया जैसे नहीं बदलता ना, तब तक हम उसमें चेंज नहीं ला सकते. तो हमें लगता है कि हमें वो चेंज हमारे घरों से स्टार्ट करते हैं. आप हमें बताइए कि वैसे तो हमारे घर में तो एक्चुअली क्या होता है कि लड़कियों को तो बिल्कुल डांट नहीं पड़ती, और हमको डांट पड़ती है, क्योंकि लड़कियां सारी, हमारे घर में सोचते हैं कि लड़कियां सारी सारी इंटेलिजेंट है और सब लोग हैं, और लड़के सारे उल्लू है. तो हमारे यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी ऐसी होती है कि लड़के उल्लू लड़कियाँ होता है. तो जेंडर इक्वालिटी मतलब लड़के भी हैं लड़की भी हैं, दोनों तरफ को एकदम अच्छी तरीके से बैलेंस होना चाहिए. और हमारे घर में तो ऐसे ही है. और आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को अर्ली एज में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें मतलब कौन से चीज़ें का वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सारे भाई बहन के बीच में रिस्पेक्ट डालने के लिए, जैसे कि बहन अपने बड़े भाई की इज्जत करे और भाई अपने छोटी बहन का इज्जत करे. यस, तो सबसे पहले जरूरी बात है कि हमारे बच्चों के लिए जो लर्निंग सिस्टम है, ये जो जहाँ से वो सीखते हैं, और सबसे बड़ी और फर्स्ट उनके लाइफ में आने वाली यूनिवर्सिटी जो है ना, वो उनके पेरेंट्स है और उनको ही वो फॉलो करते हैं. तो अगर उन्होंने देखी है प्रैक्टिकल लाइफ में अपने पेरेंट्स को उनके बड़ों की रिस्पेक्ट करते हुए, तो वो डेफिनेटली बच्चे नहीं करने वाले. तो सबसे जरूरी बात, अगर हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करें,
उनके साथ, उनके बड़े भाई बहन के साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आए, तो हमारा काम है कि हमारे, मतलब उनका काम है, वो अपने बड़ों के साथ, बड़े या छोटे सबके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आए, तब जाके वो लर्न करेंगे, उनकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो वो अगर, और वो छोटी छोटी बातों से बच्चे सीखते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों से, अगर वो बड़े या पेरेंट्स खाली कह रहे हैं कि नहीं नहीं बड़ों का करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो नहीं वैसा मतलब उनका बिहेवियर है, तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कोई उल्लू वगैरह नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बातें कहने के लिए होती है, इसको अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाना है, खाली एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ना है, तो डेफिनेटली उनके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आएंगे। तो पेरेंट्स को जो वो कह रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने खुद के बिहेवियर में है कि नहीं वो देख, तब जाके बच्चे अपने खुद के बिहेवियर में वो ला सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, वही होगा जो कहने के लिए अलग बात और खुद के करने के लिए अलग बात। ओके, यस मैम, यस मैम, थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। अब हमें बताइए कि मेंटल हेल्थ और लाइक डिप्रेशन में ये बहुत ही बड़ी समस्या है आजकल, यंगस्टर्स बहुत सारे फेस करते हैं, या वो डिप्रेशन कहते हैं कि वो फेस करते हैं, सोसाइटी, फैमिली या फिर स्टडीज रिलेटेड प्रेशर जो होता है, इसे हैंडल करने के लिए आपके पास क्या सलाह है? मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन ये टोटली दो अलग चीजें हैं। एक तो ऐसे है कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, डिप्रेशन एक बीमारी है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में बोलेंगे। और मेंटल हेल्थ जो है हमारी, अगर बरकरार रखना है, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना है, बीमारी की तरफ नहीं जाना है, तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें सोच कर काम करना होगा। देखिए, हर एक चीज की लाइफ में नीड है, उसी तरह हमारे के स्टडीज के, एकेडमिक के जो भी टेंशन है वो आने भी जरूरी है, नहीं तो हम रिजल्ट पे काम नहीं करेंगे। ओके, देखिए एग्जाम अभी 2 साल से नहीं हो रहे, तो लोग स्टडीज बिल्कुल नहीं दे रहे, है ना, वैसे चिंता का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल नहीं रहेगी तो लोगों के अंदर की जितना भी क्वालिटी है, भी उनके अंदर की खामियां है वो बाहर नहीं आएगी। तो मैं जो हमारे एकेडमिक में, जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, वो आने जरूरी है, लेकिन चैलेंजेस को हमें पॉजिटिव वे से हैंडल करना होगा, उसको हमारे ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर हावी नहीं होने देना है। मतलब जो भी, अगर एकेडमिक में मैं पुअर हूँ, स्टडीज में पुअर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट, मैं पूरा का पूरा खराब हूँ, मैं एकेडमिक में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं मतलब इंसान होने के लायक नहीं हूँ, ये वाली सोच है तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, आई एम नॉट गुड इन एकेडमिक, बट आई एम ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, या मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मतलब करियर के लिए, या जो मेरी हॉबीज है वो भी मुझे आगे लेके जा सकती है। तो ये जो वाली सोच है, इसको हमें डेवलप करना, तो इसके लिए भी पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं। स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को उनके स्कोर के ऊपर से काउंट किया जाता है, उनके नंबर्स के ऊपर से, उनके परसेंटेज के ऊपर से उनको काउंट किया जाता है। अगर वो जिसके कम है उसको नालायक करार दिया जाता है, या वो निकम्मा करार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे हर एक को नहीं मतलब उसका असेसमेंट करना है, असेसमेंट करने के लिए और भी उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, और उसको खुद को भी, अपनी मेंटल हेल्थ अगर मतलब अच्छी रख, तो अगर मुझे कोई मतलब आप मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो ये कमेंट आपके मैथमेटिक्स के लिए है, नॉट ओवरऑल आपके पूरे पर्सनालिटी के लिए है, तो हमें वैसे ही लेना है। ओके, I'm not in, not so good in mathematics, but I am also good in history, social, मतलब civics या और भी कुछ subject. तो ये ख्याल हमारे अंदर क्या है, उसके बारे में good qualities क्या है, मैं इतना नहीं हो सकता ना, कोई भी इंसान
100% खराब नहीं हो सकता है, उसके अंदर 20% 30% कुछ अच्छाई होगी, और उस अच्छाई के ऊपर खुद को गौर करना है, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमारा बहुत नजर रहता है, लेकिन उतना ही हम हमारे मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। और अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ का कोई फायदा नहीं है ना। हम बहुत सारे सुसाइड केसेस देखते हैं, फिर बहुत सारे एडिक्शन के प्रकार देखते हैं, लोगों को एडिक्ट होते देखते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस है? तो हमारी मेंटल हेल्थ, अगर हम पॉजिटिव वे से खुद की तरफ देखते हैं, सोचते हैं और आगे लेके जाते हैं, yes, तो हमें हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी।